यही समस्या है, इस वर्दी के अंदर इतना दम है ना कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी, उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है। ओ ही हैज रश टू दैट प्लेस टू सेव हिमसेल्फ। व्हाई ही हैज रश? ये उधर हम भी नहीं समझ पाए, इसलिए हम कहा कि जाकर के वहां नोट कीजिए, हम ही भेज दिया उधर उसको, आपकी कमाल है ना, आपने भेज दिया। इसलिए वो उधर ये तीनों तो दुबे जी हैं, वही जो तीनों वही हैं उधर, तो ये लोग अपने विरुद्ध में लॉन्च करेंगे नहीं ये तो एफआईआर नहीं लॉन्च करेंगे, तो भाई दो आदमी के खिलाफ करके नोट करके कर देगा, तब? इसको मंडे को कर दिया जाए उधर, हम नहीं नहीं इसको मंडे नहीं होगा, दिस कोर्ट विल बी सिटिंग एट 12 बजे रात तक। मुझे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज माई कोर्ट, तो हम किस आई कैन सिट अप टू 12 o'clock। तो हम एसपी से बात करते हैं सर, तारीख बदलेगा 12 बजे के बाद, मालूम है ना? जी सर, तो इसको कल कर दिया जाए सर, ना, तारीख 12 बजे रात के बाद बदलता है ना, ये आज का हमारा कोर्ट है और बिल्कुल 12 बजे रात के पहले ये बेंच अवेलेबल है। आप पूछिए उनको कितने देर लगेगी उनको आने में। लेकिन हुजूर ये बात तो फैक्ट है कि अपने कोई खिलाफ लेकिन लेकिन वेकिन की नहीं बात नहीं वो बाद अपने में। खिलाफ एफआईआर नहीं करेगा खान इसको, साहब, खान साहब, ऐसा है, जी क्या होगा नहीं होगा वो तो देखेंगे जी बाद जी में, ठीक, उनके अपने कंडक्ट को। हम हाँ, बात कर लेते हैं, आप मुझे बताइए कि कितनी देर लगेगी उनको आने में। लाइए, गिव मी अ कॉपी ऑफ द एफआईआर। इसमें कॉपी मोबाइल नहीं में आए हैं? जी नहीं, मोबाइल में ये रूट करके ले आए, पढ़िए क्या है। आप स्वयं क्यों दौड़ कर चले गए? सबको आवेदन नहीं था मेरे पास, सोच समझ के एफआईआर किया है क्या? क्या नहीं सर, आवेदन इसी के आवेदन पर नहीं किया जो आवेदन। है देखें, आवेदन देखिए, अब आवेदन था इसका पड़ा हुआ वहां, ये सर इस पर 107 भी हुआ हुआ है सर। 107 होता है। आप लोग जो है सिटीजन्स के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं 107 करके। लाइए देखें आवेदन। ये जो सीनियर एसपी के यहाँ जो दिया गया था दरखास्त उस पर हुआ है, आप दीजिए ना, सीनियर एसपी के यहाँ जो दिया गया वो कॉपी दीजिए ना जो वहाँ है, ये तो उनके वहां से उनके पास जो है वो दीजिए ना मुझे। ये कॉपी नहीं है एफ आई आर की, ये तो उनका जो पेटिशन लगा हुआ वही है, वो जो लगा हुआ एफ आई आप आर दिखाइए तो मुझे, पहला इंफॉर्मेशन कौन सा है ये जानना चाह रहे हैं। विच वन इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन? देखिए इसने कहाँ कहाँ लिखा है सब जगह, ये उधर लगा हुआ है, ये रीट में ही लगा हुआ है उधर 18/8/22 का है। जी, ये अनेक्षर 4 है उधर, रीट की कॉपी लगी हुई, एक मिनट, ठीक है सर। ग्यारह सात 22 को जो इसने आवेदन दिया वो कहाँ है? घटना की प्राथमिकी दर्ज करने हेतु कंकड़बाग थाना में आवेदन दिया वो कहाँ है? नहीं सर, कोई आवेदन नहीं, कोई आवेदन नहीं आवेदन दिया गया 11 साल, सर ये भी बताएं सर, ये कोई आवेदन नहीं सर। सर अभी पूरे थाना में एफआईआर के लिए आवेदन खोजा गया, सीनियर सर वाला मिला उसी पर हुआ, कोई सर एफआईआर के लिए आवेदन नहीं। 1/8/22 को इसने कोर्ट में फाइल किया है, 2/8/22 को फिर इसने ये परिवाद संख्या 9227C 2022 दिनांक 1/8/22 ये अभी पेंडिंग है आपका यस वहाँ। यस मिनट्स कंटिन्यू, एनीवे 18/8/22 का जो ये रिपोर्ट है, दिस इज स्वयं प्राइम ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन बैंक जजमेंट अगर आप देखिए ललिता कुमारी का, जी जी देख रहे हैं,
तो उसके लाइट में इसको पढ़िएगा, तो इसने बहुत कैटेगरिकली लिखा है कि हमारे घर में कैसे कैसे लूट किया, सामान को फेंका गया उठा करके, 50-60 असामाजिक तत्व जो है उन्होंने घर में घुस करके क्या क्या काम किया। और ये भी लिखा कि साहब कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह के संरक्षण में एवं दारोगा श्रीमती निशा की अगुवाई में रविंद्र कुमार देवेंद्र कुमार दोनों बलिदान स्वयं सो ने 50-60 असामाजिक एवं गुंडा तत्वों के साथ घुसकर मेरे घर का सारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया। तो इसके बाद FIR क्यों नहीं हुआ इसके आधार पर? अभी कौन से आधार पर किए हैं? देखा नहीं, उस पर हम वो तो पास कर दिया जाएगा थोड़े सा। रुकिए रुकिए रुकिए, आजकल मीडिया में जब है तो उसको पास कर देना। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मींस इट शुड बी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। माय लॉर्ड, एग्जैक्टली है ना। सेवा में बरी है पुलिस अधीक्षक। कब का है वो? 30/9/22 का। 30/9/22 का। तो ये जब आपके SHO के पोजीशन में है तो इसके आधार पर क्यों नहीं FIR हुआ 18/8/22 के कंप्लेंट पर? देखें, ये तो संभव नहीं इस तरह से पढ़ना। आपका पेज जो है वो पूरा निकलेगा नहीं। आप इससे इसको इस पे इनको कर देते हैं निकाल। हाँ, PDF फॉर्म में दीजिए इनको, उसका प्रिंट आउट निकालिए। टेक्निकल असिस्टेंट को दीजिए। व्हाट्सएप नंबर बताइए। ये स्पेसिफिक एलिगेशन है इनके अगेंस्ट, और ये इसको अपने फाइल में लेकर के नहीं अपने फाइल में क्यों इनके हाथ से निकल रहा है ये? नहीं, वो तो जो इन्होंने जो इन्हीं के फाइल से निकला है ना। जी जी, कोर्ट में जो हुआ है उसको भी आप डिनाई करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं इनकी फाइल से निकला है ना ये, तो इस पर FIR क्यों नहीं हुआ? इफ दिस इज इन हिज पोजीशन, रिटेन कॉम्प्लेंट है। अभी आपने बोला ना कि रिटेन कॉम्प्लेंट मांग रहे थे, तो ये अगर ये इनके पोजीशन में था तो इस पर FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? ये जो इंफॉर्मेशन है 21/9/22 का, ठीक है ना, ये 21/9/22 का इंफॉर्मेशन ये कंटेन करता है द अकरेंस विच अगेन टू प्लेस ऑन 29/20/22। 20/9/22 को संध्या 4 बजे फ्लैट में मेरा भतीजा स्वयं सो सोए हुए अवस्था में स्वयं सो एवं अन्य 25-30 अज्ञात व्यक्ति फ्लैट पर आ धमके और मेरा भतीजा को स्वयं सो को बाहर निकाल दिया और बोला कि 2 दिन के अंदर जो सामान तुम लोगों का है उसे घर से खाली करो, अन्यथा 2 दिन के अंदर उन सारा सामान रोड पर फेंक देंगे, जैसा कि पिछली बार दिनांक स्वयं सो को सारा सामान फेंकवा दिए एवं लुटवा दिए। तो 21/9 का जो रिटर्न कॉम्प्लेंट है इसमें 20/9 की जो घटना हुई उसका भी वर्णन, उसके पहले जो इसने रिटर्न कॉम्प्लेंट दिया, एक तो वो कहता है कि हमने 11/7 को दिया था, जो आप कह रहे हैं कि नहीं है। जी जी, 11/7 को ही दिया गया पहली बार, ठीक है, वो अभी उनको उनका प्ली है कि नहीं है। जी जी, बट इन एनी केस इनके पास से 18/8/22 का रिटर्न कॉम्प्लेंट निकला इनके हाथ से। इसमें इसने जो 17/8/22 को घटना घटी थी उसका जिक्र किया है। तो बोथ आर टू कॉज ऑफ एक्शन, टू डिफरेंट अकरेंसेस।
दिस शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज एफ आई आर। लेकिन इसमें 17/8 की जो घटना घटी उसके बारे में इसने रिटर्न कंप्लेंट दिया आपको, जिसको आप अभी तक 18/8 का जो रिटर्न कंप्लेंट है उसको लेकर आप बैठे हुए हैं, इसकी कॉपी इसने सभी को भेजा है, श्रीमान स्वयं सो मतलब इसने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, इस देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को भेजा है जी। लेकिन इसके बावजूद आपके एसएचओ महोदय जो हैं इसको लेकर के अपनी फाइल में दबा कर रखे हुए हैं। दूसरी बार इसने जो रिटर्न कंप्लेंट दिया उसमें उसने इसके बाद की जो घटना फिर घटी इसके साथ 20/9/22 को, उसमें भी ये लिख रहा है कि पिछली बार 17/8/22 को जो घटना हुई थी उसी के बारे में कह रहे हैं कि फिर वही घटना होगी तुम्हारे साथ। चलिए लिखिए। हैवी लॉस से मिलोट 7 से 8 लाख का गहना और सामान गायब है इनका, इसका रिसिप्ट भी है हुजूर, सारा लूट के लेके चले गए। कीजिएगा जहाँ जहाँ इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे, इतना वर्दी पहन लिए कब से है आप मिस्टर रविशंकर सिंह? सर पटना में 4.25 साल हो गए सर। 4.25 साल से हैं पटना में थाना अध्यक्ष के पद पर, उद्धा कॉलोनी से अब यहाँ आए हैं आप, तो काफी प्रॉपर्टी आपने ग्रैब करवाया होगा, बहुत से लोगों को मदद किया होगा आपने संपत्ति अर्जन करना। सर ये मकान मालिक को रेंटर करने तो आप आपकी आदत खराब हो गई थी ना, इसलिए आप फंस गए इसमें। सर अगर आपने तरीके से काम किया होता, आपने अपने दायरे में काम किया होता तो ये समस्या नहीं होती। यही समस्या है, इस वर्दी के अंदर इतना दम है ना कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी, उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है, एक कानून है, इसकी जान इसकी परवाह नहीं होती है। अब क्या सॉरी करने से क्या फायदा है? हमको तो जान के 22/9 की यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस नाउ, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। लिखिए नेक्स्ट। अपेरेंटली इन दिस केस देर आर सीरियस एलिगेशंस अगेंस्ट नॉट ओनली द प्राइवेट रेस्पॉन्डेंट्स, नंबर 8 to 11, बट ऑल्सो अगेंस्ट द टू ऑफिसर्स, द टू पुलिस ऑफिसर्स हु आर रेस्पॉन्ड नंबर 6 and 7 पुलिस स्टॉप, सिंस दे हैव ऑलरेडी इंटर्ड, सिंस रेस्पॉन्ड नंबर 6 and 7 हैव आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन कोर्ट कमा, दिस कोर्ट इशूज नोटिस टू दैम calling upon them to file their counter affidavit within 2 weeks from today. Full stop. Next, issue notice to respond number 8 to 11. उसको भी उसको पार्टी बनाया जाता ना, उसको क्या नाम, कौन दुबे हैं उसको? छोड़िए ना, अभी जो है वो इशू नोटिस टू रेस्पॉन्ड नंबर 8 and 8 to 11 बात हो रही है, उनसे ही बात हो रही है। बाय बोथ मोड्स रिक्विजिट्स फॉर विच मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 week प्रीएम्प्टरी लिस्ट दिस केस इमीडिएटली आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस ऑन रेस्पॉन्ड नंबर 8 to 11 और ऑन such and such date, 2 weeks, 2 weeks है ना आपको दे रहे हैं, 2 weeks yes.
टू फाइल काउंटर एफएसआर। उसको 3 वीक्स का दिया जा चुका, अब अदर साइड भी आएंगे तो आएंगे तो फिर उनको टाइम देखेंगे जैसा होगा। ठीक है, 2 वीक्स का दे। नहीं, आई वांट टू सी दी काउंटर एफिडेविट ऑफ दी एसएसपी। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, 2 वीक्स का। ठीक है, नहीं दही से लड़ना तो लिस दिस मैटर ऑन 22nd ऑफ दिसंबर माय लॉर्ड 2022 अंडर द सेम हेडिंग मेंटेनिंग इट्स पोजीशन। माय लॉर्ड, इसमें वन थिंग, फुल स्टॉप। इन द मीन टाइम दिस कोर्ट calls upon the SSP Patna to file a comprehensive counter affidavit. After examining all aspects of the matter, comma, the role of the officer in charge of Kankarbagh Police Station and the female inspector, comma, the CCTV footage of the Kankarbagh Police Station be preserved immediately. The CCTV footage of the given date as per complaint of the wife of the petitioner and the petitioner must be preserved forthwith and be placed in the custody of the SSP Patna within 24 hours. Full stop. The officers in charge of the Kankarbagh Police Station and the inspector, within bracket respond number 6 and 7, shall keep themselves away from the investigation of this case. Full stop. The SSP Patna cell depute a competent officer not below the rank of DYSP to investigate the case properly. Please stop. लिस्ट द मैटर। इसमें सूरज एडवोकेट बात कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। ये जो स्टेटमेंट है उनका कंप्लेंट जो है 8/8/2022 वाला, ये बाई पोस्ट भेजा गया है। हमने अभी कुछ बोला है अपनी ओर से, हमने सिर्फ ये ऑर्डर पास किया है जिससे ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस केस दे शुड कीप देमसेल्फ्स अवे फ्रॉम दिस केस।